अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, मतलब 7 या 8 साल छोड़ के नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन 2009 में पूछा गया तो 2010 में पूछ लिया जाता है, और नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपसे 2008 में पूछा गया वो दोबारा आपसे पूछा जा सकता है 2018 में। तो ऐसे यहाँ पे पैटर्न है, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट यानी NaKSO4 है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है मिश्रित लवण है, ऑप्शन बी अशुद्ध लवण है, ऑप्शन सी संकुल लवण है और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है अपने पहले चैनल पर, ये चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिश्रित लवण है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट यानी NaKSO4 आपका मिश्रित लवण होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो 7 साल बाद रिपीट हो या 8 साल बाद, उससे मतलब नहीं पर रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2005 में, फिर 2005 के बाद आपसे पूछा गया 2018 में, यानी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि BHC का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी 3 से 4 बार कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे और मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर BHC का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे BHC हिंदी में लिखा हुआ है, या आपको यहाँ पे BHC ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है यानी इंग्लिश में भी, तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 1 बार पूछा गया था 2006 में, फिर 3 साल बाद 2009 में फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, अभी ये मैंने आपको 1 हफ्ते पहले ये क्वेश्चन कराया था जब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, और इससे पहले भी मैंने आपको 2 से 3 बार ये क्वेश्चन करा दिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लेवोशिए। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे तो ये थे लेवोशिए, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार पूछा गया है,
2006 और 2009 में, यानी 2009 के बाद आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में एल्यूमिनियम नहीं होता है, और यहाँ पे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता, तो ये आपका होता जर्मन सिल्वर में, इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार पूछा गया 2005 में, फिर 5 साल के बाद ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ 2010 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़े बनी होती है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही कर लिया होगा, तो यहाँ पे आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैडमियम की। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो होती किसकी बनी होती, कैडमियम की बनी होती है, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा गया है 2 बार, एक बार पूछा गया 2009 में, फिर एक बार पूछा गया 2010 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में, मैथ में आपके साथ ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में, फिर वही आपसे पूछ लिया गया 2019 में, मैंने आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था मैथमेटिक्स का। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी लगातार भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपसे पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अम्लीय होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से किसको तार से उत्पादित किया जाता है, यानी कोल तार से। यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है हमारी, क्या हो जाएगा, निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे तार लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कोल होगा, ठीक है। क्या होगा, कोल तार होगा। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर ये पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी, इन सभी को कोल तार से उत्पादित किया जाता है, यानी संश्लेषित रंग को भी, दवाइयाँ भी, यहाँ पे इत्र भी, इन सभी को कोल तार से उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारी एक लाइन मिस हो गई थी, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है, तो इन सभी को किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, क्या पूछा गया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया, एक बार पूछा गया 2008 में, और दोबारा रिपीट हुआ 2019 में, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चंस
ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन तो आपका वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है आपका बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। ये चैप्टर आपका है औद्योगिक रसायन, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दो बार पूछा गया जैसा कि आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है कि पानी की कठोरता का कारण है। क्या पूछा है? पानी की कठोरता का कारण है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश आप लोग कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट वे पे लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, यानी सीए और एमजी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए, कैल्शियम को सीए से रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नीशियम को एमजी से। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे पूछा है कि फिनेप्थलीन है एक, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको 10-12 दिन पहले ही कराया हुआ है, और मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे और मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर भी यहाँ पे कर लिया होगा। तो ये क्या है? ये आपका एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए यानी दुर्बल अम्ल होता है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो अब मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। ये हमारा पार्ट वन था। मैं डेली कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। मैं आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ऐसे अगर हमने यहाँ पे 10-15 वीडियो हमने यहाँ पे कवर अप कर ली, तो हमारे कई क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा ये फायदा होता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते रहते, तो आप लोगों के लिए फायदा भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।